एक माँ अपने 2 साल के बच्चे के साथ बस स्टैंड आती है। वो शॉपिंग करने जा रही थी, बस लेट थी इसलिए माँ बोर होने लगी और अपना फोन निकाल कर फेसबुक चलाने लगी। कुछ देर बाद एक आवाज से फोन से उनका ध्यान भटका और उन्हें पता चला कि बच्चा गायब है। अब जैसे ही वो सामने देखती हैं तो होश उड़ जाती है उनकी। बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ था और सर से लगातार खून बह रहा था। एक वैन उस बच्चे के ऊपर से गुजर चुका था और जब तक कि वो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाती उससे पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। अब आप ही बताइए, क्या वो माँ कभी भी अपने आप को माफ कर पाएगी? वो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहेगी कि काश मैं फेसबुक पर लाइक्स चेक करने के बजाय अपने बच्चे पर ध्यान दिया होता तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उनमें से 6 बिलियन के पास स्मार्टफोन है, जिसमें से 4.5 बिलियन यानी कि 450 करोड़ लोग टॉयलेट करते समय भी अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। मतलब लोगों को पॉटी करते वक्त भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। कमाल है यार, ऐसा क्यों होता है पता है आपको? हमें फ़ोन यूज़ करने में इतना मज़ा क्यों आता है? डोपामीन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप टिकटॉक को ही ले लो। टिकटॉक ओपन करते वक्त आप सोचते हो कि ज़्यादा नहीं देखूंगा, जस्ट 10-15 मिनट, लेकिन जैसे ही आपने एक वीडियो देखा और अगर वो वीडियो इंटरेस्टिंग हुआ तो आपका ब्रेन डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जिससे कि आपको मज़ा आने लगता है, आपको एक टेम्पररी खुशी मिलती है। अब उसी खुशी को दोबारा पाने के लिए आप फिर से एक नई वीडियो देखते हो और आपका ब्रेन अब पहले से ज़्यादा डोपामीन रिलीज करता है जिससे कि आपको ज़्यादा खुशी मिलती है और धीरे धीरे आप इस जाल में फंसते जाते हो। जो लोग स्मोक या ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं उनका भी सेम हाल है। स्मोक या ड्रिंक करते वक्त या ड्रग लेने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीम लेवल की खुशी का अनुभव होता है। क्यों? डोपामीन की वजह से। सिगरेट्स, अल्कोहल और ड्रग्स, इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है। नेक्स्ट टाइम फिर से उसी खुशी को पाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में पाने के लिए आप और ज़्यादा ड्रिंक करते हो और ज़्यादा ड्रग्स लेते हो और धीरे धीरे आप उन सब चीज़ों के एडिक्टेड बन जाते हो और आपको एक नया नाम मिलता है, बेवड़ा। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आपके कंधे पर एक 8 साल के बच्चे को बिठा दिया जाए तो आपका सर जितना सामने की तरफ झुका हुआ रहेगा ठीक उतना ही झुका हुआ रहता है जब आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो। और एक इंसान पूरे दिन में एवरेज का 4.7 घंटे मतलब लगभग 5 घंटे अपना फ़ोन यूज़ करता है। मतलब समझ रहे हो कि कितना ख़तरनाक है ये आपके शरीर के लिए। इसके अलावा आँखों में प्रॉब्लम्स तो होती ही है। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास आपका फ़ोन नहीं होता तो आपको अनकंफर्टेबल सा फील होता है? फ़ोन को चार्जिंग में लगाने के बाद भी बार बार आप चेक करते हो कि कितना चार्ज हुआ है या फिर ये सोचते हो कि कब चार्ज फुल हो और कब मैं इसे यूज़ करूं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फ़ोन के बिना कुछ अधूरी सी है आपकी लाइफ, सब कुछ एकदम बोरिंग सा है? अगर ऐसा आपको लगता है तो चांसेस है कि आप नोमोफोबिया के शिकार हो। नोमोफोबिया एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, मतलब अपना फ़ोन अपने पास ना होने का डर। वर्ल्ड के 93% लोग जो कि 18 से 29 साल के बीच के हैं सारे के सारे इस बीमारी के शिकार हैं। अगर रात को आपको सोने में तकलीफ होती है या नींद नहीं आती, देर तक जागते हो, तो इसका कारण भी आपका फ़ोन ही है। देखिए, आपके ब्रेन में एक घड़ी है, नहीं कोई रोलेक्स वॉच नहीं है, एक बायोलॉजिकल घड़ी है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं और ये घड़ी तय करता है कि आपको कब सोना है और कब जागना है। लाइक जब रात होती है और चारों तरफ अंधेरा होता है तो ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि अब सोने का वक्त हो चुका है और इसीलिए आपका ब्रेन मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जिससे कि आपको नींद आने लगती है, आपकी बॉडी टायर्ड फील करने लगती है। और अगर आप एक डेली बेसिस पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में सो जाते हो, लेट्स से 10 बजे सोते हो, तो उसी वक्त आपको इतना नींद आएगा कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और आप सो जाओगे। अब जैसे ही सुबह होगी तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि अब उठने का वक्त हो चुका है
और आप ठीक उसी समय पर उठ जाओगे जिस समय पर आप हर दिन उठते हो। इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है सर्कैडियन रिदम। लेकिन अगर आप रात को फोन में वीडियोस देखते हो, मुझे नहीं पता कि कौन सी वीडियोस देखते हो, या गेम्स खेलते हो, या फिर पढ़ते हो, जो भी करते हो, इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल से एक ब्लू कलर की लाइट निकलकर आपके आंखों पर पड़ती है। और डेली बेसिस पर ऐसा होने के कारण आपका ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करना कम कर देता है और आपको नींद नहीं आती, देर तक जागते हो। इससे आपके सर्कैडियन रिदम में भी इफेक्ट पड़ता है। आप सोते तो हो लेकिन डीपली नहीं सो पाते। सुबह उठकर भी आपको टायर्ड सा फील होता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सोना चाहिए था। सालों तक अगर ऐसे ही स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम हो तो डायबिटीज, कैंसर और डिप्रेशन का खतरा रहता है। इसीलिए रात में सोने से 2 घंटे पहले टेक्नोलॉजी फ्री होकर बुक्स पढ़ना चाहिए। अब मानना या ना मानना तो आपकी मर्जी है। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइज दैट कि जब तक आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हो इट्स ऑल राइट, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका फ़ोन आपको यूज़ करने लगता है। अक्सर हम फ़ोन को यूज़ करते हैं रियलिटी से भागने के लिए। आपने देखा होगा कि आप जब दुखी होते हो या फिर बोर होते हो तभी आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि आप जानते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक या पबजी से आपको एक डोपामाइन हिट मिलेगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको एक प्लेजर मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आप जिस सिचुएशन में हो उसे भूल जाते हो, सारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। लेकिन सच बात तो ये है मेरे भाई कि ऐसा करने से आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो, रियलिटी से भाग रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इससे हालात बदलेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। सो होप कि आप मेरी बात को समझोगे। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये भी बताना कि आप अपने फ़ोन को कितनी देर तक यूज़ करते हो और आप अपने फ़ोन के एडिक्टेड हो या नहीं, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना मेरे भाई, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली लाता रहता हूँ।